मैं सार्थक बिहानी यहाँ पर विभाग गणों का साक्षात्कार लेने आया हूँ। विभाग गण खड़े हैं, मैं उनसे भैया के परिणाम के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी भैया का परीक्षा परिणाम देखा है, संतुष्ट है, अभी उसको और प्रयास करने की आवश्यकता है। और यहाँ के जो शिक्षक है वो उसको और आगे लेकर जाएंगे। और विद्यालय परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये सत्र का पहला पीटीएम है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और सारे भैयाओं को बहुत अच्छे से यहाँ पर उनका शिक्षण होगा, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं समर जैन, तो हमारे साथ पेरेंट्स हैं। तो सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट अच्छा रहा और बता रहा है क्लास में फर्स्ट आया है ये। अभी बस पीटीएम के लिए अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं। और पर्पस हमने डाला है, आई थिंक वो पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। ही इज डूइंग गुड हियर एंड वी वांट दैट ही शुड डू मोर गुड इन दिस। पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी तो मान लीजिए फर्स्ट सेशन था, अभी ने उसको एडमिट मतलब करवाए थे एडमिशन, तो इस बार अभी सही है, पहले से बढ़िया है। आपने अपने बच्चे को यहाँ पे डाला, किस पर्पस से डाला आपने? उसको हमने यहाँ पर इसलिए एडमिशन कराया है कि हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है, एक्चुअल दूसरी एक्टिविटीज़ है, और जो यहाँ पर अपने कल्चर को लेके जो सिखाया जाता है वो बहुत ही सम्मानजनक बात है। तो बच्चों में बचपन से ही इस चीज़ की आदत पड़े, इसलिए हमने इसको यहाँ डाला। तो आप पीटीएम में आए, तो आपको कैसा लगा पीटीएम में आके? आपका बच्चे का रिजल्ट क्या रहा? पीटीएम में तो आना ही चाहिए सभी पेरेंट्स को, बच्चे की एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा कैसा है वो, पढ़ाई में कैसा है, बाकी उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, इसलिए आना चाहिए। और यहाँ पे आपने किस मोटिव से आपने इसको यहाँ पे डाला? मेरा मोटिव यही था कि अच्छे संस्कार मिले, हिंदुत्व स्कूल है अपना, बढ़िया संस्कार मिलेंगे उसको और आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आपने एडमिशन तो करा लिया, तो यहाँ पे इसको संस्कार मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहा है, 100% मिल रहा है। फर्स्ट एग्ज़ाम भी था सेशन का और ये अभी न्यू है, इसलिए तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखा पहले से? अभी आपने यहाँ पे डाला तो आपको इम्प्रूवमेंट क्या दिखा, पहले कैसा था और अब कैसा है? अभी उसको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले पढ़ाने के लिए, सभी सब्जेक्ट में अच्छे जो टीचर हैं वो मिले, और उससे वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, और बच्चे भी सब तरह के बच्चे उसको मिले तो उसको एक नया इन्वायरमेंट मिला सीखने के लिए। आपको इस स्कूल में आपने अपने बच्चे को डाला, तो आपका मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था कि बच्चा एकेडमिक्स के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटी भी में भी ध्यान दे, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे, और वो सारा मोटिव लगभग पूरा हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके पीटीएम में? बहुत अच्छा लगा है, अच्छा आयोजन है, समय समय पर बच्चों के बारे में अच्छी जानकारी सही मिल जाती है, ये बहुत बड़े अच्छा है, नहीं तो बच्चों के बारे में हमें एक्टिविटी के बारे में पता ही नहीं चलता है। आप अपने बच्चे के रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं? नहीं, बच्चे के रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर आया है, क्योंकि क्या है कि हमारा बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल के बारे में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है यहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में शारदा विहार शिक्षण शैक्षिक संस्थान के प्रबंधक जी हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप छात्रों के इस परिणाम से सेटिस्फाइड हैं या फिर आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों के इस परिणाम से संतुष्ट हूँ और आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अपने स्वयं का भी आकलन करेंगे और
अपनी स्वयं की तुलना अपने आप से करते हुए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं विद्यार्थियों को मैं देता हूँ। धन्यवाद सर।